لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا अभी जो दर्जा हरारत चल रहा है मैदान अरफात के अंदर वो है 43 सेल्सियस जो है चल रहा है दर्जा हरारत। तो गर्मी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी के तोड़ की चीज़ें भी मौजूद हैं, ठंडा पानी है और छतरे वगैरह हैं और फवारे भी चल रहे हैं पानी के जो मौसम को ठंडा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सामने आपके माहौल है और अभी हम जो है जबल रहमत के पास पहुँचने वाले हैं और आपको मनाजर दिखाते हैं जबल रहमत के। ये देखें जी जबल रहमत की रौनक माशाल्लाह मुकम्मल, ये पहाड़ भरा हुआ है हुज्जाज कराम से, ये देख रहे हैं आप। या रहमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हमद वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। ये मंज़र देखें जी माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंज़र है। हुज्जाज कराम जो है यहाँ पर खड़े हैं और किबला रुख होकर दुआएं मांग रहे हैं। देखें किबला जो है इस तरफ है, माशाल्लाह देखें हुज्जाज कराम खड़े हैं दुआएं मांग रहे हैं। अभी थोड़ी सी धूप है, जैसे सूरज ठंडा होगा फिर यहाँ पर रश लग जाएगी हुज्जाज कराम की, सब किबला रुख होंगे गिड़गिड़ा कर खुजू और खुशू के साथ जो है अपने रब के सामने दुआएँ मांगेंगे। सुभान अल्लाह क्या ये मंज़र है, क्या खूबसूरत मंज़र है यकीन करें जबल रहमत का। चारों तरफ पहाड़ के ऊपर लोग ही लोग बैठे हुए हैं, पूरा भरा हुआ है ये पहाड़ लोगों से खचा खच। अच्छा जी, ये है जबल रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान जो है कहाँ पर वकूफ़ किया था, किस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दुआएँ मांगते रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने जबल रहमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत के पास आए थे। ठीक है जी, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दुआएं मांगते रहे थे। जनाब अली ये कोना देख रहे हैं आप, ये वाला कोना, यहाँ से किबला रुख जो है सामने बिल्कुल इस तरह से। ठीक है जी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कोने में खड़े होकर जो है पूरा दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ किया था इस मकाम पर, बिल्कुल पहाड़ के दामन में जो आप दीवार देख रहे हैं वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि पूरा दिन जो है दुआएं मांगते रहे थे इस मकाम पर। ठीक है जी, आगे तो मैंने ये आज जगह आपको दिखाई जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी, तो हम भी जो है वहीं पर इंशाल्लाह खड़े होकर दुआएं मांगेंगे। तो ये मनाजर हैं आपके सामने जबल रहमत के, आप देख रहे हैं माशाल्लाह रश ही रश है, गहमा गहमी है, चारों तरफ पूरा मैदान भरा हुआ है, चारों तरफ रश है जबल रहमत के। और जबल रहमत के पास खड़े होकर यहाँ पर दुआएँ मांगना मैदान अरफात के अंदर, यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं और सुन्नत भी है। तो जबल रहमत के पास जब भी आप हज करने के लिए आएँ, अगर यहाँ तक अगर आप पहुँचते हैं तो किबला रुख होकर दुआएं मांगें, इसके बजाय कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ कर जो अपना वक्त जो है यानी कि वहाँ पर भी चढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि अगर ऊपर चढ़ भी जाते हैं तो किबला रुख होकर जो है दुआएँ मांगते रहें। ठीक है जी, अक्सर लोग ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज के दौरान ऊपर नहीं चढ़े थे। Thank you.
ये देखें जनाब, रश देखें। मगरिब के अंदर तकरीबन आधा घंटा बाकी है और सूरज ग्रुप होने वाला है और आज योम अराफा का दिन ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रश जबल रहमत के पास कितनी रश है माशाल्लाह। यानी कि हम असर के टाइम यहाँ पर आए थे तो इतनी रश नहीं थी, लेकिन अब जो है इतनी रश है, पाँव रखने की जगह नहीं है। तो माशाल्लाह हुज्जाज कराम जो है दुआएं वगैरह मांग रहे हैं किबला रुख होकर, क्योंकि किबला जो इस तरफ है, ठीक है जी। बड़ी रौनक है माशाल्लाह यहाँ पर, बड़ी रौनक है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है इस मकाम से, या रब्बुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, जितने मेरे बहन और भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों को हज की सआदत नसीब फरमाए और उम्र की सआदत नसीब फरमाए, आमीन या रब। चले जी, अभी हम निकल रहे हैं मुज़दलिफ़ा के लिए, आगे आपको जो है मुज़दलिफ़ा दिखाएंगे। आ जाएँ जी, ज़रा आप रश मुलाहिज़ा करें जबल रहमत के पास, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोगों के सर नज़र आएँगे। सुभान अल्लाह, यकीन करें क्या रौनक है जबल रहमत के पास। ये देखें जी, रश ही रश है चारों तरफ। बस सूरज ग्रुप होने के अंदर चंद मिनट बाकी बचे हैं और हुज्जाज कराम रवाना हो चुके हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। आ जाएँ जी, हम भी चलते हैं मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ। आ जाएँ जी, रहमत पहुंचने वाले हैं। अगर वो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है तो ये जी जबल रहमत है। अभी हम लोग इधर जाते हैं और देखते हैं माशाल्लाह जहाज का रश ही रश है यहाँ पे। अभी हम लोग जबल रहमत पहुंच गए हैं, अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं जगह है चढ़ने की नहीं है। और फिर इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम भी करते हैं। ओहो, बहुत गर्मी है और माशाल्लाह ये पहाड़ आम दिनों में जैसा सुनसान पड़ा होता है इतना रश नहीं होता, और अभी यहाँ पे हुज्जाज आते जा रहे हैं और ये सफ़ेद होता जा रहा है। सुभानअल्लाह, मनाज़िर हैं जबल रहमत के, जिसे माउंट ऑफ मर्सी भी कहते हैं, रहमत का पहाड़ भी कहते हैं। अल्लाह अकबर, ला इलाहा ये जी मैदान अराफा और सामने जबल रहमत के मनाज़िर।